गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रभा सोनी, आपकी हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आज हम सेमेस्टर सेकेंड से हिंदी का पाठ 3 माँ का प्यार इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में एक तेंदुए के बारे में बताया गया है जो लोगों को बहुत परेशान करता था। तो तेंदुआ होता क्या है? तेंदुआ एक चीते जैसा जंगली जानवर होता है। यह भारत के जंगलों में आमतौर पर पाया जाता है और एक ये शिकारी जीव है, यानी ये इसे शिकार करना बहुत अच्छा लगता है। यह मांसाहारी होता है और ये दिखने में बहुत सुंदर होता है। यह अपने शिकार को बचने के लिए एक भी मौका नहीं देता। यह आकार में जो बाघ और शेर से छोटा होता है, लेकिन बहुत ही फुर्तीला होता है। यह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यह नदी नालों में भी आसानी से तैर सकता है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में तेंदुए के बारे में, ठीक है? तो कुछ वर्ष पहले की बात है, एक गांव में एक तेंदुआ आया करता था। उसके उत्पात से लोग परेशान थे। तो बहुत समय की बात है कि गांव में कौन आया? तेंदुआ आया। उसके उत्पात यानी आफत से या उपद्रव से लोग बहुत क्या थे? परेशान थे। तेंदुआ रात के समय गांव में आता और प्रायः बछड़ों और कुत्तों को उठा ले जाता। वह उन्हीं पशुओं का शिकार करता जिनके सींग नहीं होते। तो तेंदुआ क्या करता था? वह हमेशा रात के समय ही गांव में आता था और बछड़ों और कुत्तों को उठा ले जाता था और उन्हीं पशुओं का शिकार करता था जिनके सींग नहीं होती थी, ठीक है? रात के करीब 8 बजे का समय था। एक आदमी ने गाय दुहकर बछड़े को माँ का दूध पीने के लिए छोड़ दिया। तभी दुष्ट तेंदुआ आ पहुँचा और झट बछड़े को लेकर चलता बना। यह देखकर गाय ने रस्सी तुड़ाकर तेंदुए का पीछा किया। तो रात के करीब 8 बजे का समय था। एक आदमी ने क्या किया? गाय का दूध दुहा और उस बछड़े को माँ के पास दूध पीने के लिए छोड़ दिया। तभी दुष्ट तेंदुआ वापस आ पहुँचा और उसने झटे ने तुरंत बछड़े को लेकर वहाँ से भागने लगा। यह देखकर गाय ने क्या की? रस्सी तोड़कर तेंदुए का पीछा किया। उसने जो खूंटे से गाय बंधी हुई थी, उसने उस रस्सी को तोड़ा और उसका पीछा किया। वह आदमी जब थोड़ी देर बाद बछड़े को बांधने आया तो उसने देखा कि गाय और बछड़ा दोनों गायब है। फिर कुछ देर बाद क्या होता है? जब बछड़े को बांधने के लिए वह आदमी आता है तो उसने क्या देखता है कि गाय और बछड़ा दोनों गायब है। उसे शक हो गया कि बछड़े को तेंदुआ उठा ले गया और गाय भी तेंदुए से डरकर रस्सी थोड़ा कर भाग गई। तो उसने उसको क्या शक हुआ, उसको क्या संदेह हुआ कि बछड़े को तेंदुआ उठा ले गया है और गाय भी क्या हुई? तेंदुए के डर से रस्सी तोड़कर भाग गई है। उस आदमी ने सहायता के लिए अपने पड़ोसी को पुकारा। 2-3 आदमी टॉर्च और लाठियां लेकर गाय और बछड़े को ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते लोग जंगल में घुसे। उनकी नज़र बछड़े पर पड़ी। उसके निकट गाय पहुंच चुकी थी। गाय तेंदुए को सींगों से मार मार कर दूर हटा रही थी, लेकिन तेंदुआ बछड़े को गाय से छीनने लगा था। तब आदमी ने क्या किया? अपने पड़ोसियों को बुलाया, पुकारा, और 2-3 आदमी आए और वे टार्च और लाठियां लिए हुए थे। और वे लोग गाय और बछड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वे ढूंढते ढूंढते कहाँ गए? जंगल में पहुंच गए। तब उनकी नज़र बछड़े पर पड़ी और उसके पास ही गाय भी पहुंच चुकी थी। गाय क्या कर रही थी? तेंदुए को अपने सींग से मारकर दूर हटा रही थी, लेकिन जो तेंदुआ है वह बछड़े की गाय को छीनने पर लगा था, छुड़ाने पर लगा हुआ था। लोगों ने तेंदुओं को लाठी मारकर भगाया और गाय और बछड़े को घर वापस ले आए।
जब तक लोग वहाँ नहीं पहुँचे थे, गाय तेंदुओं का डटकर मुकाबला कर रही थी। जैसे हमारी माँ हमें प्यार करती है, ठीक उसी प्रकार पशु भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। पशु भी अपने को संकट में डालकर अपने अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। माँ का प्यार पशु पक्षियों में भी पाया जाता है। तब क्या किया लोगों ने, क्या किया, तेंदुओं को लाठी से मारकर भगाया और गाय और बछड़े को छुड़ा कर वे घर वापस आ गए। जब तक लोग वहाँ नहीं पहुँचे थे, तब तक क्या था, गाय तेंदुए से डट कर मुकाबला कर रही थी, यानी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे लड़ाई कर रही थी। जैसे हमारे मम्मी पापा हमें प्यार करते हैं, है ना, उसी तरह पशु पक्षी भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। पशु भी अपने बच्चों को अगर संकट में देखते हैं तो उसकी रक्षा के लिए दौड़ दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि माँ का प्यार भी पशु पक्षियों में पाया जाता है। जैसे हमारे मम्मी पापा हमको प्यार करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी जो है अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी रक्षा के लिए वो अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, आपका पार्ट 3 माँ का प्यार ये कंप्लीट हुआ। बच्चों आपको इस पार्ट की बुक रीडिंग करनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।